हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है शोएब अख्तर बैन फ्रॉम BCCI। वाह, सॉरी, फिर ऐसा नहीं करूंगा। अब समझ में आई वो सॉरी की क्यों आ रही थी भैया, क्योंकि ये हुआ होगा, क्योंकि BCCI वाले उनको बुलाते थे इंटरव्यूज में, राइट। अब उन्होंने उनको हटा दिया इंटरव्यू से। काफी पैसा मिल रहा होगा उनको अब रिटायरमेंट के बाद, और अब जब धक्का लगा है ये, तो भैया उन्होंने कहा, भैया हमें तो, मुझे तो पाकिस्तान के बाद इंडिया से प्यार है नेक्स्ट। राइट, क्योंकि इस अब पता मुझे ये लग रहा है जो उनका पैसा बन तो रहा था इंडिया में इंटरव्यूज वगैरह का, वो सब जो है अब सब पाकिस्तानियों को इंडिया से प्यार होगा, जिस जिसका पैसा जो है वहां से। इसीलिए कहता हूँ सोच समझ के बोलना चाहिए ऐसी बातों को। जहाँ बात सोच समझ के क्या है यार, झूठ है झूठ। जो वैसे कर रहा हो और वैसे नफरत हो और पैसों के लिए इंडिया से प्यार दिखाए या इंडिया से इंप्रेशन दिखाए कि भैया मैं बड़ा अटैच्ड हूँ, गलत बात है, मॉरली इनकरेक्ट। नहीं, देखिए उनको पता था कि इंडिया में जाके इंटरव्यू शोज होते हैं वगैरह वगैरह, पैसा बन रहा है इंडिया से। इतने पता होने के बावजूद ऐसा करना थोड़ा अजीब सा है। वो इसलिए क्योंकि अंदर अंदर जो एक्चुअल में है वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा। आप कितना रोक के रखोगे, तो ऐसी सिचुएशन आई होगी जहां वो रोक ही नहीं पाए और उनके मुंह से निकल गया होगा, क्या पता। चलो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। और हमारे दूसरे दो चैनल्स, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। उनके लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। फिर आ गया हूं भाई। नहीं, आओ आओ, खुशी 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 वाली चीजों में जरूर आओ। हमारा काम है भाई सिर्फ लोगों को बताना। जैसे अखबार वाले सुबह सुबह अखबार लेके घरों में फेंकते हैं ना, बस हम वही काम करते हैं। अच्छी न्यूज़ फेंकते हैं, अखबार फेंकते हैं, बाकी आप पढ़ के क्या करते हो वो आप लोगों का काम है। तो दोस्तों, कल जब हमने पहली दफा शोएब अख्तर पर वीडियो बनाई, तो दोस्तों हमने उसकी थोड़ी बहुत क्लास लगाई और साथ में अवाम को जगा दिया। हमने न सिर्फ इंडिया के लोगों को जगाया, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी जगा दिया है। कैसे, क्या हुआ भाई? कल रात तो हमने वीडियो बना के हम सो गए आराम से। सुबह जब हम उठे, यूट्यूब को लगे कि हमें यूट्यूब पे कुछ मिल ही नहीं रहा भाई, सिर्फ मेंढक अख्तर की ही तस्वीरें है भाई। तूफान आ गया, जलजले आ गए, मौसम बदल गया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिया। बंदा हम छोटे हैं पर जी बहुत बड़ी मारते हैं। तो दोस्तों, हमने वीडियो बनाई थी मेंढक अख्तर के ऊपर कि जितना मुंह उतनी बात करो, छोटा मुंह बड़ी बात और बड़ा सर छोटा अकल, ये मत करो भाई। ये आपकी सेहत के लिए और आपका ये जो दुकानदारी है ये इसके लिए काफी नुकसान होगा। तो दोस्तों, अभी बातें गर्दिश कर रही हैं, गर्दिश यानी दुनिया में गोल गोल घूम रही है। हो सकता है दोस्तों के BCCI की तरफ से शोएब अख्तर को होंगे मेंढक अख्तर को, इसके चर्च के पैसे सबसे पहले बंद हो जाएंगे। दोस्तों, करना तो चाहिए, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान अच्छा लेसन मिले जो ऐसे बोलता है 5 साल के लिए। लेकिन अभी बातें जो है वो घूम रही है, अगर BCCI अभी सॉरी बोला है कि पटके हाथ में आ जाएगी भाई। हुआ नहीं इसके। तो दोस्तों, टॉक्स चल रही है, हमारा काम है सिर्फ आप लोगों को बताना, बाकी हर बंदे का अपना वो होता है कि उसको कितनी गैरत में वीडियो बनानी है और क्या क्या बोलना है। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, कल हमारी वीडियो के बाद हमारी ही वीडियो पे भाई क्या हुआ, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने शोएब अख्तर की मार दी। ये समझ रहे हो ना, यूट्यूबर्स क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे, वो भी एक्टिंग कर रहे थे। पहले तो ये होता था, जब हम वीडियोस बनाते थे तो हमारी वीडियोस तो सिर्फ इंडिया तक ही होती थी, इंडिया के लोग बोलते थे कि हाँ यार ये चीज गलत हो रहा है। आज आप लोगों का पठान भाई एक ऐसा लाइन बन चुका है जो अखबार के पहले लाइन पे आता है। सुबह अखबार खोलते ही ओए तेरी पठान भाई आ गया भाई। तो दोस्तों, हमारी वीडियो के बाद हजारों पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने, हम नहीं कहते कि वो अपनी दुकानें चमका रहे हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए अपनी दुकानें चमका रहे हैं, बिल्कुल सही बोलो। लेकिन हकीकत बात जो है वो सबको पसंद आती, तो बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर ने भी जो है वो चर्सी अख्तर की बजा डाली। और दोस्तों, यही हमें चाहिए था, यही पे हम लोग काम कर रहे थे, यही पे
इसी चीज पे मैं पिछले 4-5 साल से काम कर रहा हूं कि भाई सब काम करो लेकिन हकीकत बोलो, यही हम चर्सी को भी समझाना चाहते हैं। ओए चर्सी कभी ना मरसी। हम चर्सी को इतना बताना चाहते हैं कि भाई अगर आप दुकानदारी चला रहे हो, चलाओ, आपने जो बातें करनी है करो, लेकिन वीडियो में लास्ट में जरूर बोला करो कि जय हिंद। हाँ वैसे सारे पाकिस्तानियों को बोलो जय हिंद बोले, और आपका चर्स का खर्चा इतने सारे रिएक्शन चैनल को बोलो जय हिंद बोलो तभी आएंगे इंडियंस। ज्यादा मजा आया कि मैंने देखा कि भाई बहुत सारी वीडियोस आई और सबने जो है वो माइंड अप चर्सी को समझाया कि भाई तू गलत बोल रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी हालत क्या है, वो अंदर से कितना गुस्सा आया होगा, उसे कितना जल रहा होगा, कितना परेशान हो रहा होगा, ये तो हम और आप सोच रहे हैं, लेकिन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, उसको चाहिए पैसे और व्यू भाई। गाली तो मैं बर, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी, चलो भाई ट्रक से बोरे उतारो भाई, गालियों के शोएब अख्तर के गोदाम में रख दो भाई। नहीं समझ रहे लोग क्या करें, टाइम निकाल निकाल के सुनेगा बाद में। तो भाई फिलहाल जो है कल से शोएब अख्तर को ट्रक भर भर के गालियां पड़ रही है, तो शोएब अख्तर के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो सारी गालियां एक दिन में सुन ले, तो वो सारे गालियों से भरे हुए बोरे जो है वो शोएब अख्तर के गोदाम में रख दिए गए हैं, वो टाइम निकाल निकाल के एक एक दो दो बोरी सुनता रहेगा। हमने गालियां नहीं दे भाई, हम गालियां नहीं देते। तो दोस्तों उम्मीद है ये चर्सी पागल आदमी कभी दोबारा ऐसी बात नहीं करेगा, लेकिन करेगा जरूर, क्योंकि भाई सस्ता नशा वही बूट पॉलिश भाई, वही सुनना। बस दोस्तों अब अगले मैच पे फोकस करना है। आज न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बहुत बुरी तरीके से हराया है दोस्तों, सारे बैक टू बैक और आउट हो रहे थे, तो अब दोस्तों जो है वो इंडिया के जो मैचेस आ रहे हैं उसके लिए बस हम यही दुआ करते हैं कि वो जीत जाओ। स्पेशली दोस्तों अफगानिस्तान को एक मैच अच्छी तरीके से जीतना है, ये बहुत बड़ी बात है। अफगानिस्तान के मैच के ऊपर बस बारिश ने पानी फेर दिया है इस बार, तो अफगानिस्तान के जितने भी फैंस थे उनको अफगानिस्तान का मैच देखने को मिला नहीं। हारना जीतना अपनी जगह होता है, लेकिन मैच देखना उसका मजा कुछ अलग होता है। तो दोस्तों अफगानिस्तान का मैच तो हुआ नहीं, सारा बारिश ही आ गई थी। अब उम्मीद करते हैं कि आगे जो मैच है इंडिया या अफगानिस्तान के, उसमें बारिश ना आए और एक जबरदस्त मैच हो। अफगानिस्तान में आप लोगों को वीडियो पसंद आए होगी, इजाजत है अगली वीडियो तक, लव यू ऑल, बाय बाय। तो फ्रेंड्स अच्छी बात है, मैं तो बड़ी खुश हो गई थी, मेरे को लगा बैन हो गए हैं, अब मैं पता चला बैन नहीं बातें हो रही है। मैं कह रही भैया इतनी देर तक बातें क्या कर रहे हो, इसमें भी बातों की जरूरत है, कंट्री कम्स फर्स्ट। कोई आपकी बाहर से आपकी कंट्री के बारे में ऐसे बोले, आपको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, इसमें बातों की क्या है भाई भाई, कंट्री को कंट्री से प्यार नहीं है क्या आप लोगों को, मैं तो यही क्वेश्चन पूछूंगी। और अगर बैन नहीं किया तो बिग क्वेश्चन टू फॉर योर, जो भी कहते हैं ना जो भी वहां पे, हमारा कहना तो यही है कि जरूरत नहीं थी इसे बोलने की और अननेसेसरी फोरकास्ट करने की कि आप भी हारेंगे, 30 मार्का वगैरह जो भी कौन था उसकी जरूरत नहीं थी। नहीं थी, वो तो अंदर की हेट्रेड थी इसलिए उन्होंने बोल अपनी दिया। अपनी कंट्री के बारे में बोलिए, जो बोलना बोलो, जो भी आपका कहना चाहते हैं, मगर किसी और अगर हमारी कंट्री के अगेंस्ट बोलोगे तो उसके बाद बैकफायर जो होगा, बैकलैश होगा, वो तो स्पेशली अगर आप इंडिया में जाके वहां से रेवेन्यू कमा रहे हैं, देन इट डजंट मेक सेंस। और बहुत कमा रहे हैं मैंने सुना है। और दूसरी बात ये जो बता रहे थे ना कि भैया इनका जो है अच्छी अच्छी बातें करके या जो भी है इंडिया का नाम बात करके, वो यूट्यूबर्स भी यही कर रहे हैं, उनमें भी कोई नहीं है, वो कोई इंडिया से प्यार, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, उनको कोई इंडिया से प्यार होगा, कैसे हो सकता है भैया, खुद ही सोचो। कोई भी कॉमन सेंस वाला इंसान बोलेगा कि कहां से इंडिया से उनको प्यार हो जाएगा, तुम लोग इंडिया के हो ही नहीं हो। और साथ में मैं कह रही हूँ, अब अगर इतने ही जिनको प्यार है ना और जिन्होंने रिएक्शन चैनल्स खोले हैं पाकिस्तानी, उनको बोलो जाकर, जो जो आप लोग देखते हो ना उनके चैनल्स, आप जाके बोलो उनको, और आपके दोस्त जो देखते हैं, जो इतने लोग देख रहे हैं, उनको बोलो कि उनको बोले कि लास्ट में या शुरू में बोले जय हिंद, देखते हैं बोलते हैं कि नहीं। पैसे मैं बोलूँ, वो तो पैसों के लिए शायद बोल भी दे, नहीं एक होता है मॉरल अंदर से। अगर आप अपने ही कंट्री के ऊपर हंस सकते हो, मैं तो सोच ही नहीं सकती। अगर आप ऐसी वीडियोस देख सकते हो जिसमें आपके कंट्री के लोगों के या आपकी टीम का मजाक उड़ रहा है और उस पर आप बैठ के हंस सकते हो या वो वीडियोस कर सकते हो, या इंडिया की प्रेजेस सुनने के लिए बैठ के उसको वाह वाह कर सकते हो पूरे दिन में,
पूरा और कुछ काम ही नहीं, तो भैया आप तो मॉरली करेक्टर जो आपका है वो ही आपके करेक्टर का एक क्वेश्चन मार्क करता है। हमें बोलो कि भैया पाकिस्तान की वीडियोस को देख के उनका वाहवाह वाली वीडियोस देखो, हम कहेंगे भैया क्यों देखें हम, मैं तो कभी ना देखूं, मैं तो कभी रिएक्शन ना करूं, वो पाकिस्तान में इतना अच्छा हो रहा है, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूं। और क्या मैं देखूंगी इंडिया के खिलाफ कोई बोल रहा है वो वाली वीडियोस और उनको बोलूं कि पाकिस्तान की वीडियोस और बोलूं वाह अच्छा इंडिया इतना गंदा है वाह। ये तो ऑब्वियस है, देखिए मगर ये तो अजीब सी बात है कि पाकिस्तान के लोग जो है सब कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। कर रहे हैं भैया, वो कर रहे हैं, उनको बोलो जय हिंद बोलनी, मगर वो लोग ये कहेंगे कि हम बड़े शातिर हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं, मगर इकॉनमी तो पाकिस्तान की बेटर हो रही है, अल्टीमेटली जा रहा है तो उन्हीं की मिलिट्री में, हर चीज़ उन्हीं से जो भी पैसा आता है उनकी कंट्री के अंदर ही जा रहा है। तो वो ये भी सोचते होंगे कि हम तो बहुत ही शातिर हैं कि 1.3 बिलियन लोगों को यूज़ करके जनरेट करें पैसा अपनी कंट्री के लिए। वो तो कर रहे हैं, तो स्मार्ट भैया, राइट, उनका घर चल रहा है, कौन है हम लोग, वो बने स्मार्ट, बुद्धू बने हम, एंड ऑफ द डे उन्होंने पैसा कमाया, अपनी कंट्री में लगाया, कंट्री की मिलिट्री में गया, उनके सोल्जर्स का गया, तो एंड ऑफ द डे वो तो अपने देश का ही प्रॉफिट कर रहे हैं, आपका देश का लॉस करा के। पर मैं वेट कर रही हूँ कि देखो भाई ये जो है बैन उनके ऊपर करते हैं कि नहीं करते हैं, करना तो चाहिए ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिले का। हाँ, वी डोंट नो, वी विल सी। और हम वो देखते हैं कि बीसीसीआई क्या करती है, और हम देखते हैं कि इंडियन जो पब्लिक है जो जाती है पाकिस्तान रिएक्शन चैनल्स देखने वो कितनी क्या कर पाती है, क्या वो कर पाती है कि ये लोग जो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स हैं वो जय हिंद बोलें। अगर आप कर दोगे तो वाह, कुछ तो अचीव किया आपने पैसे देके उनको। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।